तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से जयपुर, अजमेर, सवाईमाधोपुर, सुजानगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सुमेरपुर में लॉकडाउन का पालन किया गया। जयपुर में वीकेंड कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रशासन भी कर्फ्यू पालना के लिए पूरी तरह से अलर्ट है। हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा की खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में बढ़ते कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत की गई है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन को डायरेक्शन दिए गए हैं कि तमाम जो आने जाने वाले लोग हैं उनको चेक किया जाए। पुलिस जो पूरी तरह से मुस्तैदी से जो है काम कर रही है, तमाम जो व्हीकल्स हैं उनको रोक कर चेक किया जा रहा है कि किस वजह से लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। जरूरी इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर तमाम जो चीज़ें हैं उन पर पाबंदी सरकार की ओर से लगाई गई है। पुलिस प्रशासन हर गाड़ियों को चेक कर रहा है। तमाम जो लोग हैं वो अपने घर से बाहर किस रीजन से निकल रहे हैं उनकी समझाइश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कोरोना की जो रफ्तार है, जो तीसरी लहर प्रचंड रूप प्रदेश में ले चुकी है, उसको रोकने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। प्रदेश में बढ़ते कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए वीकेंड कर्फ्यू की जो है वो शुरुआत की गई है। आज से कल सुबह 5 बजे तक ये वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। मैं आपको तस्वीरें शहर की दिखाना चाहूँगा। शहर के मार्केट पूरी तरह से बंद रखे गए हैं। इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सभी जो दुकानें हैं वो बंद रखी गई हैं। राजधानी में पूरा असर वीकेंड कर्फ्यू का जो है वो दिख रहा है। तमाम जो लोग हैं उनको अपने घरों में रहने की सलाह दी गई है। राजधानी में जो इक्के दुक्के लोग हैं वही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी, जो तमाम लोग हैं, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है कि क्यों आखिर वो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनको रीजन पूछा जा रहा है। इमरजेंसी सेवाओं के अलावा तमाम जो चीजें हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है। जो ये तस्वीरें आप जो देख पा रहे हो MI रोड की तस्वीरें हैं, जो राजधानी में पूरी तरह से जो दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, वो बंद रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर जो पूरा असर वीकेंड कर्फ्यू का है वो राजधानी में देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इसी से जो कोरोना की बढ़ती जो रफ्तार है उसको उसमें कमी लाई जा सकती है। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। प्रदेश में बढ़ते कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए वीकेंड कर्फ्यू की जो है वो शुरुआत की गई है। आज से कल सुबह 5 बजे तक ये वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। मैं आपको तस्वीरें शहर की दिखाना चाहूंगा। शहर के मार्केट पूरी तरह से बंद रखे गए हैं। इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सभी जो दुकानें हैं वो बंद रखी गई हैं। राजधानी में पूरा असर वीकेंड कर्फ्यू का जो है वो दिख रहा है। तमाम जो लोग हैं उनको अपने घरों में रहने की सलाह दी गई है। राजधानी में जो इक्के दुक्के लोग हैं वही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी, जो तमाम लोग हैं, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है कि क्यों आखिर वो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनको रीजन पूछा जा रहा है। इमरजेंसी सेवाओं के अलावा तमाम जो चीजें हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है। जो ये तस्वीरें आप जो देख पा रहे हो MI रोड की तस्वीरें हैं, जो राजधानी में पूरी तरह से जो दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, वो बंद रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर जो पूरा असर वीकेंड कर्फ्यू का है वो राजधानी में देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इसी से जो कोरोना की बढ़ती जो रफ्तार है उसको उसमें कमी लाई जा सकती है। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। वही अजमेर में कर्फ्यू के चलते दूध, सब्जी और परचून की दुकानों को छोड़कर पूरा शहर बंद नजर आया, लेकिन लोगों की आवाजाही आम दिनों की तरह चालू रही है। शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान नजर आए हैं। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने दलबल के साथ दरगाह परिसर का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं के लिए पुलिस अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। हमारे सहयोगी जावेद खान की खास रिपोर्ट देगी। कर्फ्यू का आज पहला रविवार है जिसके चलते जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जगह जगह पुलिस प्रशासन ने अपने जो है जवानों को तैनात किया हुआ है और पूरी तरीके से पूरा शहर बिल्कुल बंद पड़ा है। आप देख सकते हो कि ये हम अभी इस वक्त दरगाह बाज़ार में हैं। एक बार मेरा कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि हमारे दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से पूरा बाज़ार बंद है। पूरी एक एक दुकानें यहाँ बंद है, ना यहाँ पे कोई ज़ायरीन है, लेकिन चप्पे चप्पे पुलिस प्रशासन ज़रूर मौजूद है। पुलिस ने जो है अपना पूरा जो है मोर्चा संभाला हुआ है। ना किसी प्रकार की कोई दुकानें फूल की खुली है, ना कोई चाय की थड़ी खुली है, ना किसी प्रकार की कोई परचूनी की दुकान यहाँ खुली है। पुलिस प्रशासन ने 2 दिन पूर्व से अपील करना आरम्भ कर दिया था कि किसी प्रकार की कोई दुकान नहीं खुले, लेकिन आज जो है पूरी तरीके से वीकेंड कर्फ्यू का जो रुझान देखा गया पूरी तरीके से बंद देखा गया है। निखिल गुर्जर के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज, अजमेर।
आगे बढ़ते हैं, खबर बांसवाड़ा से है जहां आज वीकेंड कर्फ्यू को लेकर मार्केट बंद रहा और अनावश्यक लोग भी अपने घरों से बाहर नहीं निकले। वहीं कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने बेवजह घूमने वालों को 23 लोगों को भी पकड़ा और क्वारंटाइन किया। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने आमजन से अनावश्यक न निकलने की अपील भी की है। चलिए।